नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे हीरो की दो फेमस बाइक्स का, हीरो स्प्लेंडर प्लस और हीरो एचएफ डिलक्स का। दोस्तों, अगर आप इन दोनों बाइक्स को लेकर कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने की और आपके लिए एक बेहतर बाइक चुनने की। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें, हीरो स्प्लेंडर प्लस हो या फिर हीरो एचएफ डिलक्स, दोनों बाइक्स में आपको सेम इंजन मिलता है, बस वो देखने में थोड़ा अलग लगता है। दोनों ही बाइक्स में आपको 97.2 cc का एयर कूल्ड 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो दोनों ही बाइक्स में 8.2 PS जनरेट करता है 8000 RPM पर, 8.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पर। दोनों ही बाइक्स में आपको 4-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिलते हैं। तो दोस्तों, इंजन और पावर के मामले में यहाँ पर कोई सी भी बाइक किसी से आगे नहीं है, दोनों ही बाइक्स बराबर हैं, दोनों में आपको सेम पावर सेम टॉर्क मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के डायमेंशन और चेसिस का। दोनों बाइक्स कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक में आती है। स्प्लेंडर प्लस की विथ है 720 mm, लेंथ 1965 mm, हाइट 1045 mm, व्हील बेस 1235 mm, सीट हाइट 799 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.5 लीटर, वेट 112 किलो। इधर बात करें हीरो एचएफ डिलक्स की, इसकी विर्थ है 720 mm, हाइट 1045 mm, लेंथ 1965 mm, वेट 109 kg, व्हील बेस 1235 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सीट हाइट है 805 mm। तो दोस्तों, डायमेंशंस में दोनों ही बाइक्स में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। स्प्लेंडर से एचएफ डिलक्स की सीट हाइट 6 mm ज़्यादा है और स्प्लेंडर का एचएफ डिलक्स से 3 किलो वेट ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग का। दोनों ही बाइक्स के फ्रंट और रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, डिस्क ब्रेक यहाँ पर नहीं आता। दोनों ही बाइक्स में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। बात करें टायर साइज का, दोनों ही बाइक्स के फ्रंट में आपको 275R18 और रियर में भी 275R18 का टायर मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और एचएफ डिलक्स में आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। अलॉय साइज दोनों बाइक्स में 18 इंच ही रहता है। एचएफ डिलक्स के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक्स एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है और रियर में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक 2-स्टेप एडजस्टेबल शॉक्स एब्जॉर्बर मिलता है। इधर स्प्लेंडर के फ्रंट में भी सेम एचएफ डिलक्स वाला टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक्स एब्जॉर्बर मिलता है फ्रंट में, लेकिन दोनों बाइक्स के रियर सस्पेंशन में डिफरेंट है। एचएफ डिलक्स में आपको 2-स्टेप एडजस्टेबल मिलता है और सेम सस्पेंशन टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक्स एब्जॉर्बर। स्प्लेंडर प्लस में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल मिलता है। दूर से देखने में तो ये दोनों सस्पेंशन आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब आप बाइक राइड करेंगे या बाइक पर बैठेंगे उसके बाद ही आपको दोनों बाइक्स के सस्पेंशन में अंतर पता चलेगा। तो दोस्तों, टायर साइज और ब्रेक साइज के मामले में दोनों बाइक बिल्कुल यहाँ पर सेम है, किसी में कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन सस्पेंशन और ट्यूबलेस टायर को देखते हुए स्प्लेंडर प्लस विनर है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की। एचएफ डिलक्स में आपको फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर सब कुछ एनालॉग में मिलता है, यानी कि सुई वाला। लेकिन अब स्प्लेंडर प्लस में एक मॉडल और ऐड कर दिया गया है, डिजिटल मीटर वाला। एनालॉग वाला तो पहले से आता ही था। स्प्लेंडर में भी आपको सेम एचएफ डिलक्स के जैसे फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर सब कुछ एनालॉग में मिलता है, लेकिन जो डिजिटल वाला मीटर है उसमें आपको ये सब कुछ डिजिटल में मिलता है और डिजिटल के साथ साथ उसमें आपको डुअल ट्रिप मीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिससे आप अपना मोबाइल बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं। स्प्लेंडर प्लस के डिजिटल मीटर में आपको 3-4 फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो किसी भी 100 cc बाइक में नहीं है। पहला, रियल टाइम माइलेज, लो फ्यूल इंडिकेटर, कॉल रिमाइंडर, SMS रिमाइंडर। दोस्तों, ये ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी 100 cc की बाइक में अभी तक इंडियन मार्केट में तो नहीं है। बात करें दोनों ही बाइक्स के लाइटिंग सेटअप का, दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट मिलती है, हेलोजन टेल लाइट मिलती है और हेलोजन में ही इंडिकेटर मिलते हैं, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको LED DRL मिलने लगी है, जो कि एचएफ डिलक्स में नहीं मिलती। वहीं वैसे तो यह कोई ज़्यादा बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन है तो यहाँ पर भी स्प्लेंडर प्लस एचएफ डिलक्स से आगे निकल जाती है और फीचर्स के मामले में तो स्प्लेंडर प्लस ने सभी 100 cc की बाइक्स को धो ही दिया है। बात कर लेते हैं प्राइस का। एचएफ डिलक्स में दो वेरिएंट आते हैं, एक तो एचएफ 100 और एक एचएफ डिलक्स। एचएफ 100 तो बहुत हल्की बाइक है, उसका एचएफ डिलक्स और हीरो स्प्लेंडर से कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इस बाइक का ऑन रोड प्राइस लगभग इंडिया की किसी भी सिटी में 63,000 रुपीज पड़ता है, उसी हिसाब से इसमें बहुत
चीप प्राइस के पार्ट्स लगाए गए हैं, लेकिन जो रियल HF डिलक्स मैक्स प्रो है, इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको इंडिया की किसी भी सिटी में 68,000 से स्टार्ट होकर 77,000 रुपीज तक पड़ता है। और ये जो आपकी स्प्लेंडर प्लस है, इसका ऑन रोड प्राइस इंडिया की किसी भी सिटी में 83,000 से स्टार्ट होकर एनालॉग मीटर वाले वेरियंट का 86,000 रुपीज तक जाता है और डिजिटल वाले वेरियंट का 89,000 रुपीज तक ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में जाता है। अगर आपको बिल्कुल बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो हम आपको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे आप स्प्लेंडर प्लस का डिजिटल मीटर वाला वेरियंट ले, उसके बाद आप 100cc बाइक्स के बिल्कुल मैक्स प्रो राइडर बन जाएंगे, क्योंकि 100cc स्प्लेंडर प्लस के मीटर में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको 200cc की बाइक्स में भी नहीं मिलते। अगर आप ऐसी 100cc फीचर लोडेड बाइक लेकर रोड पर घूमेंगे तो आपको कोई भी कहेगा 100cc मैक्स प्रो। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट कम है तो आप बिल्कुल HF डिलक्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3-4 चीजों में समझौता करना पड़ेगा, वो भी हम आपको गिनवा देते हैं। स्प्लेंडर प्लस में आपको चेन कवर मेटल का मिलता है, लेकिन HF डिलक्स में आपको फाइबर का मिलेगा। स्प्लेंडर प्लस में आपको बड़ा सा ग्रैब हैंडल मिलता है, जिससे आप बाइक को अच्छे से पकड़ सकते हैं या फिर एक आदमी और बिठा सकते हैं, और अगर ऐसा करना नहीं चाहते तो आप उस पर कुछ अच्छे से सामान भी बांधकर ले जा सकते हैं। लेकिन HF डिलक्स में यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है, HF डिलक्स में आप ना किसी बंदे को बिठा सकते और ना ही उस पर कुछ सामान बांध सकते। तीसरा अंतर है दोनों बाइक के फीचर्स में, एक तरफ आपको आज भी सुई वाला 100 साल पुराना मीटर मिलता है और दूसरी तरफ आपको डिजिटल मीटर मिलने लगा है। और फोर्थ डिसएडवांटेज है हीरो HF डिलक्स लेने का, इस बाइक में आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, यानी जहाँ भी पंक्चर हुआ वहीं पे सारी हवा निकल जाएगी, उसके बाद आपको पंक्चर वाले की शॉप पर बाइक को धक्का मारकर ले जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ स्प्लेंडर के साथ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो हम आपको बिल्कुल स्प्लेंडर प्लस सजेस्ट करेंगे। दोनों ही बाइक से आपको नॉर्मल राइडिंग करने पर 60-65 kmpl माइलेज आराम से मिल जाएगा। अगर आपकी बाइक डेली 40 किलोमीटर राइड होगी तो दोस्तों मंथली रीडिंग आएगी 1200 किलोमीटर, और 60 kmpl एवरेज के हिसाब से 1200 किलोमीटर बाइक राइड करने के लिए आपको लगभग 20 से 21 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। पेट्रोल का प्राइस हम यहाँ पर 100 रुपीज पर लीटर जोड़ लेते हैं, उस हिसाब से 20 लीटर पेट्रोल 2000 रुपीज का हुआ। यानी कि अगर आप डेली 40 किलोमीटर बाइक राइड करेंगे और आप ठीक ठाक इकोनॉमी स्पीड में चलाएंगे, जिससे आपकी बाइक 60-65 kmpl माइलेज भी देती रहे, तो आपका मंथली पेट्रोल बजट इन बाइक्स के साथ लगभग 1800 से 2000 रुपीज तक आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।